तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो जो गाड़ी है वो दिखाते हैं मेरे को वीडियो कॉल करके। ये अपनी गाड़ी जो इनके घर के बाहर खड़ी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई। तो देख के यार बड़ा मजा सा आ जाता है कि कई दिन बाद जो है गाड़ी को देख रहा हूँ। और आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हो भाई कि मैं कितना पास जाके कैमरे के देख रहा था। तो भाई मिस तो करता ही यार गाड़ी को, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई थी। इसके बाद जो है वीडियो कॉल कट करके उनके फादर साहब भी आ जाते हैं, तो वो देखो उनके साथ पूरी वीडियो कॉल पे बातचीत होती है जो भी। सो गाइस, जिस टाइम मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी टाइम भाई इनके जो यहाँ पे इनके देखा आप सकते हो वीडियो कॉल हो रही है। एनीवेज भाई पूछिए क्या क्या पूछना है आप लोगों को। हेलो, इनके आपके फादर हैं आप इनके। हैं गाड़ी की, जिस टाइम गाड़ी जो है साफ होने लग रही है, तो ये देख सकते हो भाई अपनी गाड़ी जो है पंजाब में खड़ी है एज ऑफ नाउ। एंड पंजाब की गिद्दड़बा जगह है, वहाँ पे अपनी गाड़ी जो है डिलीवर कर दी गई है न्यू ओनर को। तो अच्छी बात है, गाड़ी साफ होने के बाद बढ़िया लग रही है भाई, अपनी जान थी ये तो पता ही है। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे भाई। आज की जो वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इंटरेस्टिंग इसलिए रहेगी बिकॉज जो नए ओनर है भाई उनको पता चल गया कि अपनी गाड़ी थी, बिकॉज शायद गाड़ी पे हर्ष ब्लॉग का टैटू लगा था इसलिए। और उसके बाद उनसे वीडियो कॉल पे बात होती है और वो दिखाते हैं भाई अपनी गाड़ी, और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कैसे कुछ है, तो इनका रिएक्शन देखेंगे भाई नए ओनर का रिएक्शन क्या कुछ है, आपको पता चलेगा वीडियो कॉल पर पूरा बढ़िया रहने वाला है। दूसरी चीज भाई, मैंने ओनर के टेक्स्ट आने से पहले मैंने खुद ने ट्रैक कर लिया था मेरी गाड़ी को। 1 लैप ट्रैकर जो मेरी गाड़ी में लगा हुआ है, अपनी रिट्स में हमने 1 लैप का ट्रैकर लगवाया था भाई, अल्टीमेट ट्रैकर है। मतलब मैं पूरी रात देख रहा था गाड़ी कहां पे जा रही है क्या कुछ जा रही है। तो एंड तक देखिएगा, 3 स्टेट पार करी है भाई अपनी गाड़ी ने, 3 स्टेट पार करी है, उसके बाद वो अपने ठिकाने पहुंचे, तो कई कई किलोमीटर गई है, तो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेक श्योर एंड तक देखिएगा आप वीडियो। तो भाई बिना इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आपसे 2-3 बातें करनी है मेरे को, और यहां से थोड़ा शीशा अपना जो है गंदा होने लग रहा है क्योंकि पानी नहीं है अपने विंडशील्ड वॉशर में जो है। खैर वो सब छोड़ते हैं भाई, देखो आप रास्ता भी देखते रहो और बातें भी सुनते रहो, क्योंकि फेस वाली तो मैं बना नहीं पाऊंगा, अभी ड्राइव भी कर रहा हूँ तो उसमें फिर ध्यान मेरा रहेगा अपने मुंह की तरफ। खैर भाई देखो, सबसे पहली चीज जो है, आप इंस्टाग्राम पे जाके फटाफट अपने भाई को जो है फॉलो कर लो। मेरे से कई मेरे भाइयों ने पूछा कि भाई आप जो पेस्ट ट्यूब है वो हमें दे दो, आप कंपोनेंट्स हैं वो हमें दे दो गाड़ी के, और बहुत सी चीजें जो है मांगी। तो भाई अगर आपको चाहिए ना, देखो मैं रुपए में तो बेच नहीं रहा यार, मैं रुपए में बेचूंगा नहीं, मैं जो है गिव अवे करूंगा। तो आपको चाहिए तो भाई इंस्टाग्राम पे जाके फटाफट जो आप मुझे फॉलो कर लो, और वहां पे जो है मैं गिव अवे जल्दी बताऊंगा क्या कुछ करना है, बट सबसे पहले तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, वहीं पे पता चलेगा नई गाड़ी के बारे में भी, और दूसरी चीज अपना जो गिव अवे वहीं पे होगा मोस्टली। अच्छा भाई दूसरी चीज देखो ये है कि अपनी जो रिट्स है वो कहाँ पे है। मेरे बहुत से भाई इतना अच्छा लगता है ना यार जब आप लोग मतलब ऐसा रिस्पांस देते हो कि भाई बहुत से आए कि भाई रिट्स कहाँ पे है, रिट्स यहाँ पे, रिट्स वहाँ पे। उसके बाद मैंने मेरा इंस्टाग्राम का जो अदर्स का फोल्डर है भाई वो चेक करा ना, तो मतलब मौसम सा बन गया देख के कि यार इतने सारे भाइयों ने मेरे को फोटो भेजी भाई, आपकी गाड़ी यहाँ पे, आज आपकी गाड़ी वहाँ पे, आज आपकी गाड़ी यहाँ पे, आप भाइयों ने भेजी, बहुत बढ़िया लगा फोटो। उसके अलावा जो है भाई मैं ट्रैकर से जो है ट्रैक करने लग रहा था, और मैं आपको पूरा मतलब समझाऊंगा भाई ट्रैकर से मैंने कैसे ट्रैक करा, क्या कुछ ट्रैक करा, एंड आप देख कितना खुश हो जाएंगे कि भाई ट्रैकर जो है कितनी काम की चीज है, जिसने मेरी गाड़ी में जो लगा रह गया था और पूरा का पूरा मेरे को उसने सारा बता दिया भाई आपकी गाड़ी कहाँ पे है, कितनी स्पीड से जा रही है, क्या कुछ जा रही है। तो वो आप देखिएगा वीडियो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और कहाँ पे गई है गाड़ी आप ये सुन के हैरान हो जाओगे भाई। तो वीडियो एंड तक देखो और उसके बाद जो है हम बातचीत करेंगे आगे की, तो पहले वीडियो देखो ठीक है। सो गाइज अब जो है 1 लैप की हम लोग, सो गाइज 1 लैप की ऐप खोलते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा भाई गाड़ी जो है गिद्दड़बा में है बेसिकली। एंड ये गिद्दड़बा जो जगह है ये पटिंडा के पास पड़ती है अपनी, यहाँ पे देखो अगर मैं जूम आउट करूँ आपको, तो भाई ये जूम आउट करने से जो है आपको पता चल जाएगा बठिंडा पास में, और जूम आउट करूंगा तो पूरा पंजाब दिखेगा। तो भाई गाड़ी जो है पंजाब में खड़ी है ठीक है। तो ये तो आज September 1 का जो है एनालिटिक्स है। उसके बाद चलते हैं 31 की, तो 31 को आपको पूरा ग्राफ मिल जाएगा भाई। गाड़ी स्टार्ट हुई न्यू दिल्ली से, एंड न्यू दिल्ली से स्टार्ट होने के बाद जो गाड़ी है वो हरियाणा जाती है भिवानी के पास से होते हुए, और उसके बाद जो है पंजाब चली जाती है भाई गाड़ी ठीक है। ये है जब भाई उन भाई ने खरीद ली गाड़ी। तो मैं एनालिटिक्स पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ भाई 31 तारीख को जो है गाड़ी 392 यानी कि लगभग 400 किलोमीटर के आसपास चली है। रन टाइम भी देख रहे हो भाई 390 मिनट जो है गाड़ी चली है, मतलब 100 की हम लोग एवरेज लगाएं तो इतना रहा है। एवरेज स्पीड जो है ये दिख रही है आपको यहाँ पे, तो सारा जो एनालिटिक्स मिल जाता है आप उसको 1 लैप का जो ट्रैकर है इसी में। और भाई देखो मजे की बात बताऊँ आपको, साथ ही साथ डेली भी हो जाओ यहाँ पे, तो नीचे जो आपको 3-4 ऑप्शंस मिल रहे हैं इंजन एक्सेस का, तो इसको जैसे अगर मैं नीचे कर दूंगा तो मेरे से वो पासवर्ड मांगेगा, और मैं नीचे करूंगा उसके बाद जो है भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी ऐसी किसी जगह पे खड़ी होती है जहाँ पे आपको लगता है भाई चोरी हो सकती है, तो आप इंजन एक्सेस कर सकते हो। एंटी थेफ्ट को अगर आप ऑन करते हो तो जैसे कोई आपकी गाड़ी टर्न ऑन करेगा तो आपकी गाड़ी, ये जो आपका फ़ोन है इसमें बीप बजने लग जाएगी कि हाँ भाई जो गाड़ी है वो कोई चलाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऑन करने की कोशिश कर रहा है। और ये सेट है सेफ जोन में, तो भाई आप खुद अपना सेफ जोन कर सकते हो। मान लो ये भाई यहाँ पे, उनको नहीं पता कि भाई इसमें ट्रैकर लगा हुआ है, बट हाँ आप यहाँ पे अगर ऐसे करके यहाँ पे लगा देते हो ना, प्लस करके कर देते हो,
तो ये सेफ जोन हो जाएगा। जैसे ही इससे गाड़ी बाहर जाएगी या एंटर होगी तो आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन आएगी कि भाई जो आपकी गाड़ी है वो सेफ जोन से बाहर निकली है, सेफ जोन में एंटर हुई है। तो ऐसा कुछ था। और भाई 1 लैप का जो है ट्रैकर है अपना, और अल्टीमेट ट्रैकर है, मतलब सब कुछ बताता है आपकी गाड़ी चोरी होने से बच जाएगी भाई, और फिर स्पीड कितनी जा रही है, कहाँ पर गाड़ी है। सुबह मुझे पता चला भाई किन की गाड़ी है, बट उससे पहले मैंने रात से ही ट्रैक करना देखने लग गया था मैं कि भाई जो गाड़ी है मुझे पता लगने लगी थी गाड़ी कहाँ जा रही है, क्या कुछ जा रही है। इनकेस अगर आपको खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई 1 लैप का, और अमेजिंग है भाई ट्रैकर, सच्ची में मजा आ जाएगा आपको। ठीक है तो भाई कैसा लगा लिख के बताइए। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो जो गाड़ी है वो दिखाते हैं मेरे को वीडियो कॉल करके, ये अपनी गाड़ी जो है इनके घर के बाहर खड़ी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई। तो देख के यार बड़ा मजा सा आ जाता है कि कई दिन बाद जो है गाड़ी को देख रहा हूँ, और आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हो भाई कि मैं कितना पास जाके कैमरे के देख रहा था। तो भाई मिस तो करता हूँ यार गाड़ी को, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई थी। इसके बाद जो है वीडियो कॉल कट करके उनके फादर साहब भी आ जाते हैं, तो वो देखो उनके साथ पूरी वीडियो कॉल पे बातचीत होती है जो भी। सो गाइस जिस टाइम मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी टाइम भाई इनके जो यहाँ पे हैं इनके देखा आप सकते हो वीडियो कॉल हो रही है। एनीवेज भाई पूछिए क्या क्या पूछना है आप लोगों को। हेलो, इनका आपके फादर हैं आप इनके? अच्छा अच्छा, नमस्ते अंकल जी। मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया है। सर आपकी जो गाड़ी आपने जो सेल की है वो हमने खरीदी है। हाँ वो इनका भाई का आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज आया। 24 कार मुझे आपको दिया थी आप? हाँ कार 24 को दी थी मैंने। 24 को कितने की दी थी आपने? ये सब नहीं बता सकते क्योंकि ये एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप डायरेक्ट बता नहीं सकते किसी को, पर हाँ जिस प्राइस में आप लोगों ने खरीदी है ना उससे मतलब बहुत कम डिफरेंस में दी थी, जिसमें आप लोगों ने खरीदी है बहुत कम डिफरेंस में। हाँ जिस प्राइस में आप लोगों ने खरीदी है उससे बहुत। सो गाइस उसके बाद जो है बहुत देर भाई लोग जो है उनके फादर साहब से और उनसे जो है बातचीत होती है, और बातचीत में मेरे से पूछते हैं कुछ गाड़ी के बारे में, भाई गाड़ी में कोई इश्यूज हैं तो नहीं, और उन्हें एक दो डाउट और पूछे मेरे से, तो मैंने वो सारे उनके क्लियर कर दिए जो जो डाउट थे। अब भाई कुछ मेरे भाई सोचेंगे कि भाई मैं किसी भी वीडियो में प्राइस क्यों नहीं बता रहा, मैं प्राइस क्यों नहीं बताता, तो मैं बताता हूँ भाई। देखो आप किसी भी कंपनी के थ्रू डील करते हो, कोई भी ऑनलाइन कंपनी हो या फिर कोई भी कंपनी हो, आप उनके थ्रू डील करते हो, तो भाई आप किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जाके प्राइस नहीं बता सकते। अगर आप प्राइस बताते हैं तो भाई वो उस कंपनी के लॉ के खिलाफ होता है, बिकॉज आपसे जो गाड़ी ली जा रही है वो ऑब्वियस ही बात है कि भाई आगे जो है प्रॉफिट में बेची जाएगी, ठीक है। और अगर आप वो कंपनी वो प्राइस डिस्क्लोज कर रहे हो ऑनलाइन, मैं चीख चीख के बताऊं सबको, तो वो कंपनी के खिलाफ होगा कि भाई कंपनी इतना कमीशन खा रही है, बीच में कंपनी ये कर रही है वो कर रही है, तो कंपनी के इमेज पे सवाल उठ सकता है। हाँ मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था भाई रिवीलिंग प्राइस, बट उसके बाद जब मैंने कंफर्म करा कार 24 से कि भाई क्या मैं प्राइस बता सकता हूं, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे से एक एग्रीमेंट साइन कराया गया था जिस टाइम मैंने NOC दी थी गाड़ी की और मैंने सब कुछ बताया था, उस टाइम मेरे से पहले ही पूछा गया था कि भाई आप जो है कुछ भी किसी भी ऑनलाइन मीडिया पे जाके इस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, प्राइस कुछ नहीं बताएंगे। बट हाँ मैं लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, जिस प्राइस में इन भाई लोगों ने खरीदी है गाड़ी वो प्राइस भाई जिस प्राइस में मैंने बेचा उनमें बहुत कम मार्जिन था, तो हाँ फेयर डील हो रही है इतना मैं पक्का बोल सकता हूँ। और ये थे भाई इनने मेरे से जो भी सवाल पूछे। खैर अपने पास कुछ गाड़ियों की फोटो हैं एक दो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई यहाँ पे जो ओनर है गाड़ी के वो मेरे पास मैसेज करते हैं कि भाई आपकी गाड़ी जो है मैंने मेरे पास है और मैंने ली है, तो उसके बाद मैं बोलता हूँ भाई पिक भेज दो भाई गाड़ी के, तो पिक भी भेजते हैं मेरे को। आप देख सकते हो जो गाड़ी है पंजाब में खड़ी है गिदड़बा में एंड 3 स्टेट्स पार कर गई। यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो मेरे को दूसरे भाई भेजते हैं गाड़ी की, जिस टाइम गाड़ी जो है साफ होने लग रही है, तो ये देख सकते हो भाई अपनी गाड़ी जो है पंजाब में खड़ी है एज ऑफ नाउ, एंड पंजाब की गिदड़बा जगह है वहाँ पर अपनी गाड़ी जो है डिलीवर कर दी गई है न्यू ओनर को। तो अच्छी बात है, गाड़ी साफ होने के बाद बढ़िया लग रही है भाई, अपनी जान थी ये तो पता ही है, एंड चलो अच्छी बात है किसी अच्छे हाथ में गई। आप देख सकते हो कि अंदर की कुछ इमेजेस हैं, दूसरे भाई ने भेजी थी मेरे को, उसी शहर के वो दूसरे भाई हैं, उनने भी अपना इस पे पीछे नाम देखा तो भेजा कि भाई आपकी जो गाड़ी है वो यहाँ पे थी, तो उनने मेरे को है 7-8 फोटो लेके भेज दी। तो अपनी जो गाड़ी है मैंने जिस कंडीशन में दी थी एज इट इज कंडीशन में, इन भाई ने जो है मेरे पास फोटो भेजी थी गाड़ी की, वीडियो इनने भेजी थी मेरे पास, पहले जो तो थी ओनर ने भेजी थी, उसके बाद ये देख सकते हो कि भाई गाड़ी जो अपनी साफ सुफ हो रही है, तो उसकी फोटोज अपने पास आ गई, तो ये देखो आप देख सकते हो। तो भाई बढ़िया, काफ़ी अच्छा लगा देख के कि भाई हाँ गाड़ी जो है सेफर हैंड्स में है और बहुत अच्छी है, एंड काफ़ी ज़्यादा याद भी आई यार गाड़ी की देख के। तो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा 1 लैप ट्रैकर से अपने ट्रैक कर लिया सारे, इन केस अगर आपको खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर खरीद सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई बात करें तो ट्रैकर के कई सारे और बेनिफिट्स हैं, मैंने आपको समझा दिए।
कि भाई अपना इंजन बंद कर सकते हो, आपको बता देगी ओवर स्पीड पे है कि नहीं, आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है वो सब बताएगी। बहुत से फायदे हैं भाई, वीडियो में तो आपको दिखेगा होगा। एनीवेज भाई लोग आज के वीडियो से इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले, बाय, धन्यवाद।